और ये बहुत बड़ी विकेट गिर जाती है। बहुत बड़ी टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया है जो बहुत इम्पॉसिबल था, और ऐसा लग रहा था कि शायद टीम इंडिया इस मैच को हार जाएगी एक तरफ ऐसा लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन किया टीम इंडिया ने, बुमराह ने, मोहम्मद शमी ने, अब जिनका नाम ने उतने उनकी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ पर ऐसा माहौल बन गया बिल्कुल इतना अच्छा वाला। और मैं शायद मैंने आज तक ऐसा मैच नहीं देखा, क्योंकि इस स्थिति में इंडिया टीम थी जिस हिसाब से वो पीछे चल रही थी उस मैच में कितना आगे आ गई यार, मतलब मैं तो कमाल कर दिया इस मैच ने। और बहुत ज़्यादा खतरनाक मैच था ये, और बहुत मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा ऐसा मैच देख के, क्योंकि जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस दी है बुमराह ने, मोहम्मद शमी की बॉलिंग ने, और यहाँ बैटिंग की देख लीजिए आज, आप देख लीजिए आप सुबह स्टार्टिंग से बात करें तो देखिए जैसे ईशांत शर्मा आउट हो गए, ऋषभ पंत जल्दी जल्दी आउट हो गए, जहाँ ऋषभ पंत की उम्मीदें सबसे ज़्यादा थी कि ऋषभ पंत चल जाएँ शुरू के 10 ओवर खेल जाएंगे तो 40-50 रन बना जाएंगे, तो बहुत हैं इतने रन, बहुत हैं 200 रन बना पाएगी टीम इंडिया या इतने बना पाएगी, इतने लीड देगी। उसके बाद देखिए आप 259 रन की 271 रनों की लीड दे दी टीम इंडिया ने, और ये देखिए क्या मैच जीता है, जसप्रीत बुमराह ने क्या अच्छी बॉलिंग कराई है, मोहम्मद शमी ने क्या बैटिंग करी है, क्या बॉलिंग करी है, हम जिसकी तारीफ करते थे कमी सिराज की, दो जो गेंद थी जिसपे सैम कलन और मोइन अली दोनों को जाल बिछाया और दोनों को आउट किया, बहुत ज़्यादा निराशाजनक प्रदर्शन इंग्लैंड का। और इंग्लैंड की टीम जो है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ इनके बारे में, जिस हिसाब से हड़बड़ाहट से खेले, क्योंकि पहले उन्होंने डिफेंसिव फील्डिंग लगाई, ऐसा माइंड सेट था उनका कि शायद जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी जो है वो तेज खेलने के चक्कर में रन मारने के चक्कर में आउट हो जाए, बाउंड्री लगा लिया, और ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत खुशी खबर है इस समय। और ये बहुत बड़ी जो बात है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई है बहुत बड़ी, वो यही है कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है, और ये कमाल का प्रदर्शन यहाँ पे टीम इंडिया ने किया है, ऐसा मैच शायद मैंने कभी नहीं देखा। मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन किया टीम इंडिया ने, मतलब आप सोचिए कल 181 पे 6 विकेट थी, रविंद्र जडेजा आउट हुए थे, तब तो ऐसा लगा था शायद ये मैच बचाना मुश्किल है, अब फिर उसके बाद हम कल सुबह जो आज सुबह यानी हम बात कर रहे थे कि 40-50 रन अगर टीम इंडिया 4 विकेट बना लेती है तो मैच शायद थोड़ा सा हमारे पक्ष में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पक्ष में आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह खेले, वाह रे वाह, क्या कमाल कर दिया भाई, मतलब मैं तो ताज्जुब कर गया कि मतलब ऐसे इतने ओवर खेल कैसे सकते हैं कोई भी, क्योंकि बॉलिंग जब होती है ना इतनी टाइट बॉलिंग, जेम्स एंडरसन हो, मार्क वुड हो और बेहतरीन बॉलर हो, लेकिन उनकी तरफ से कुछ पसंद हो नहीं पा रहा, तो जब बुमराह और मोहम्मद शमी आए तो बहुत ही ज़्यादा कमाल कर दिया उन्होंने, और बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे मैं तो क्या कहूँ, मतलब मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन आज किया टीम इंडिया ने, वो बाकी लॉर्ड्स के मैदान पे जो आज परफॉर्मेंस दी है बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे, और ऐसा शायद मौका कभी आए कि जिस तरीके से जिस स्थिति में थी कल इंडिया चौथे दिन, आई थिंक यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि जब आप चौथे दिन इस स्थिति में होते हैं और पांचवें दिन आप इतना मैच पलट देते हैं कि आप जो है मैच आप जीत जाते हैं, तो आप सोचिए जहां पे आपको जीतने का चांस बिल्कुल था ही नहीं, मतलब दो ही चांस लगे थे, इंग्लैंड की जीत या फिर ड्रॉ, तो ड्रॉ के चांस मुझे कम लगे थे, इंग्लैंड की जीत के चांस ज़्यादा लगे थे चौथे दिन जब मैच खत्म हुआ था। लेकिन आज का दिन जो है ऐसा हुआ कैसा पता नहीं, एक सेशन में मैच जो है इतना बदल गया कि जो डिफेंसिव खेल रहे थे वो अटैक खेलने लग गए, जो अटैकिंग खेल रहे थे वो डिफेंसिव हो गए, तो ये क्रिकेट में होता है, लेकिन इतना बड़ा अंतर तो मैंने कभी नहीं देखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे लिए बड़ी बात इस वजह से क्योंकि मैं इंडिया का नागरिक हूँ, और जिस तरीके से टीम इंडिया खेली गर्व होता है मुझे यार, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी इस इंडिया ने वाकई में काबिले तारीफ है, मुझे मज़ा आ गया बहुत ज़्यादा, और टीम इंडिया जो मैच जीता है वाह बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पे। और चलिए आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया खेली है वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ है, और जिस तरीके से जो सिचुएशन आई, सिचुएशनों का हैंडल किया टीम इंडिया ने, विराट कोहली की कप्तानी को लेकर बहुत सवाल उठे थे जब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हारी थी, तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल हारे थे तो ऐसा बिल्कुल सही भी था क्वेश्चन उठाना, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया प्रदर्शन कर सकती थी उस हिसाब से नहीं किया, और इसी तरह सवाल उठे, लेकिन टीम इंडिया ने इस बार दिखा दिया कि वो नंबर 1 टेस्ट टीम क्यों है, और वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियन फाइनल हारी जरूर है लेकिन फाइनल तक पहुंची कैसे ये उसने दिखा दिया, हमको प्रूफ करने जरूरत नहीं है, पुजारा पे भरोसा रखें, रहाणे पे भरोसा रखें, कोहली पे भरोसा रखें, वो मैच जिताएंगे, वो टीम बुरी नहीं है, टीम बहुत अच्छी है, जडेजा अच्छे हैं, रविचंद्रन अश्विन अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बस परफॉर्मेंस उससे अच्छी हो नहीं पाई थी, इस बार हो गई है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है, मुझे लगता है कि इस बार सीरीज भी जीत के जाएंगे इंग्लैंड की टीम से,
और अब जो बचे हुए 3 मैचेस हैं उनमें से 2 मैच अगर हमने जीत लिए तो मैच जो है वो सीरीज जो समाप्त हो जाएगी और हम जीत जाएंगे सीरीज। जो सपना है बहुत करोड़ों भारतीय फैंस का के सीरीज जीते हैं इंग्लैंड में जाके, तो वो सपना पूरा हो सकता है, ये विश्वास हम कर सकते हैं विराट कोहली कप्तानी में, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है कप्तानी में विराट कोहली, नंबर मुझे देने पड़ेंगे 10 में से 10। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।